भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है कि आज जारी हो सकती है कांग्रेस पार्टी की 12 से 13 सीटों पर चुनाव के उम्मीदवारों की सूची। दरअसल नाम फाइनल हो चुके हैं और बचे हुए नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है। ये दरअसल एक चिंता का विषय है यहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए बना हुआ है और ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी इसमें अब क्या कदम उठाती है, चूंकि अब बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है और अभी तक नामों को लेकर पेंच फंसा हुआ है और इन नामों पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही। दरअसल मुरैना, ग्वालियर, दमोह, बालाघाट सीट पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। विदिशा सीट की अगर बात करें तो यहां भी पेंच फंसा हुआ है। विदिशा हाई प्रोफाइल सीट बन गई है, विदिशा हाई प्रोफाइल सीट रही है और चुनावों के दौरान ये सीट निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को देनी होगी जो शिवराज सिंह चौहान को टक्कर दे सके और यहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, क्योंकि अभी जिस तरह की अब तक सूची में नाम सामने आए हैं और कुछ नाम जो बीते दो दिन से मीटिंग होने के बाद भी सामने नहीं आ पा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उन नामों का अनाउंसमेंट अभी नहीं कर रही है। संभव है कि वो सभी सीटों पर एक साथ नाम जारी करे, लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही वो ये कि 12 से 13 नाम फाइनल हो चुके हैं, जबकि 5 से 6 सीटों पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। अब इसका कारण क्या है, पेच क्यों फंसा हुआ है, क्या दावेदार और हकदार की लड़ाई है या फिर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही चेहरे उतार दिए, उनके खिलाफ कोई मजबूत कैंडिडेट ढूंढ रही है। बात करेंगे हमारे सहयोगी अशरफ, इस वक्त दिल्ली से मौजूद हैं, शैलेंद्र भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, पहले आपके पास आते हैं, सीईसी की बैठक हुई आज, दूसरा दिन लगभग आधा निकल चुका है, लेकिन नामों पर खींचतान बनी हुई है, कारण क्या पता चल पाया अब तक? आशीष, देखिए कारण तो अभी भी जो समझ में आ रही है बात वो यही कि मंथन किया जा रहा है, अभी भी कांग्रेस सोच के मंथन के से बाहर ही नहीं निकली, क्योंकि बीजेपी ने उनके सामने पूरी अपनी जो पत्ते हैं सारे खोल दिए हैं, सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब कांग्रेस के सामने, अब उम्मीदवारों के कांग्रेस के लिए एक समस्या यह है कि किस उम्मीदवार के सामने मजबूत कैंडिडेट यानी कि जिताऊ कैंडिडेट कैस कौन हो, किसको उतारा जाए, उसी पर मंथन किया जा रहा है। हालांकि परसों यहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसमें भी करीब करीब एक दर्जन के आसपास नामों पर मोहर लग चुकी है। ये था कि साहब आप सूची आए अब आए, लेकिन आज सोचिए कि दो दिन हो गए हैं और दूसरे दिन कभी आधा दिन गुजर चुका है, अब तक कहीं कोई सूच नहीं है, कहीं इस तरह के कोई तला नहीं है, कोई खबर नहीं आ रही कि शायद सूची आज निकले, लेकिन कयास लगातार यही लगाए जा रहे हैं कि सूची आज आ सकती है, देर शाम को आ सकती है। जो सूची नहीं आने की वजह है वो सिर्फ यही है कि कांग्रेस के सामने एक बड़ा सवाल है कि वो भाजपा से मजबूत यानी जिताऊ कैंडिडेट कैसे चुने, किसको चुने और किसको मैदान में उतारे, क्योंकि उनके सामने कई दिक्कतें हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो लगातार जो उनके मजबूत चेहरे होते हैं, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पिलर कहा जाता था जिनको, वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने दिक्कत सिर्फ यही है कि हमें एक अपने जो उम्मीदवार ऐसे चुनने हैं जिनको चुनाव मैदान में उतारना है जो भाजपा को परास्त कर सके। और ऐसा हुआ भी है अशरफ, ऐसा हो भी चुका है और ये जो डर है ये स्वाभाविक सा डर है। और शैलेंद्र इस बारे में जानते भी हैं, शैलेंद्र से बात भी हुई इस बारे में पहले भी। शैलेंद्र, जो अशरफ जो जिक्र कर रहे हैं, संभव है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है, पता चले कि वो किसी का नाम अनाउंस करें और वो फिर बीजेपी ज्वाइन कर ले, तो ये डर, इस डर से अभय होकर के बाहर निकलना होगा और इस भय को अभय कर कहीं ना कहीं जो लिस्ट है वो तो जारी करनी ही पड़ेगी, अब बहुत ज्यादा समय तो रह नहीं गया है। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि देखिए जिस तरीके से अगर मैं पहले चरण की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं और 6 में से 3 पर प्रत्याशी अब तक कांग्रेस घोषित नहीं कर पाई है। देखिए 27 तारीख की शाम 5 बजे तक का वो अंतिम समय है जब प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे और देखिए अगर बात करूं तो कल और परसों दो दिन की अवकाश है और ऐसे में केवल अब मंगलवार और बुधवार का दिन ही बचता है कि जिस दिन आप नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। और जिन 3 सीटों की मैं बात कर रहा हूं उसमें जबलपुर भी है, बालाघाट भी है और शहडोल भी है। हालांकि
शहडोल से फुन्नीलाल मारकू अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। अधिकृत तौर पर अभी वो प्रत्याशी नहीं है, लेकिन उनका नाम जो है बड़ी तेजी के साथ चल रहा है और यही कारण है कि वो एक नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि पार्टी उनके पक्ष में ही बी फॉर्म जारी करेगी। देखिए बाकी अगर सीटों की बात करूं, जिन सीटों पर लगातार पेच फंसा हुआ है, जिसमें मुरैना है, भिंड है, दमोह है, अगर बात बालाघाट को लेकर भी बात हो रही है, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सीट विदिशा, तो ये वो सीटें हैं जहां पर लंबे समय से बीजेपी लगातार जीत आ रही। और जिस बात का सिर्फ आज जिक्र कर रहे हैं कि डर इस बात का भी है कि यदि आपको आज प्रत्याशी बनाना, हो सकता है कि आप कल पार्टी छोड़ दें। देखिए 2013 के चुनाव में भी कांग्रेस इस पूरे बाकी से रूबरू हो चुकी है, जब भगीरथ प्रसाद को भिंड से टिकट दिया गया था कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन जिस दिन उनको टिकट दिया उसके अगले दिन ही वह बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी से वो टिकट लेकर मैदान में थे। तो ये संशय जो है, वो ये जो संकट है वो कांग्रेस के सामने जरूर है। जिस तरीके से बीजेपी के दावों की अगर माने तो 16,000 कांग्रेसी अब तक भाजपा का दामन थाम चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी अब से कुछ देर पहले ही आलोट से पूर्व विधायक मनोज चावला जो है वो अब से कुछ देर पहले सीएम के सामने सदस्यता बीजेपी की ग्रहण कर चुके हैं। तो ऐसे में जो लगातार लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, खासकर बड़े नेता जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, उससे डरी हुई है फिलहाल कांग्रेस। हालांकि कई दिग्गज नेताओं को आगे किया गया, ये माना जा रहा था कि पहले बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का नाम सामने आ रहा है, अरुण यादव का नाम सामने आ रहा है, या फिर और जो आने वाले संशय इस पूरे उहापोह से निकलना होगा बाहर। अशरफ आप भी नजर बनाए रखिएगा, चूंकि खबर तो दिल्ली से ही चलेगी। बहरहाल शैलेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया, अशरफ बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को भगोरा उत्सव की बधाई दी और भगोरिया उत्सव को लेकर सीएम ने कहा कि भगोरिया उत्सव देव संस्कृति को स्थापित करता है। सीएम माने तो ये परंपरागत त्यौहार है और इसमें उन्मुक्तता और लोक जीवन के साथ अतीत की गौरवशाली परंपरा भी है। इसमें अच्छे भाव के साथ नाचते हैं, गाते हैं और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे देवकाल आ गया है। मैं सभी प्रदेशवासियों को निमंत्रण भी देना चाहूंगा कि ये ट्रेडिशनल हमारा बहुत अच्छा एक फेस्टिवल है, बहुत अच्छा त्यौहार है, जिसमें उन्मुक्तता के साथ में हमारे लोक जीवन के साथ अतीत की गौरवशाली परंपरा भी है, जिसमें खुल करके हम एक दूसरे के साथ नाचते गाते गाते बहुत सारे अच्छे भाव के साथ, ऐसा कई बार लगता है कि ये देव काल आ जाता है, उस देव संस्कृति को स्थापित करता है। तो आइए नजदीक से देखें। और इंदौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल कब्रिस्तान में दफनाई गई जोया जया बन गई। आपको पूरी कहानी बताते हैं। एक महीने पहले कब्रिस्तान में एक महिला का शव दफनाया गया और बाद में पता चला दफनाई गई लापता जया थी, उनकी मौत हो चुकी थी। बाद में बेटे ने शव को निकलवाकर बाकायदा उसका अंतिम संस्कार करवाया। बीमारी के चलते जया जो है देवास से इंदौर रेफर की गई थी। सरकारी अस्पताल में जया की जगह जोया नाम लिखवा दिया गया था और मुस्लिम समझकर कब्रिस्तान में उन्हें दफना दिया गया। विवाद के चलते बेटी के घर थी बुजुर्ग महिला और एक महीने बाद बेटे को मां की मौत की जानकारी। और ग्वालियर में ब्रिजविहार कॉलोनी में रहने वाली 23 साल की शिवानी परिहार बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्त हैं। अब उसने लड्डू गोपाल से शादी करने का निर्णय लिया है। भगवान लड्डू गोपाल से शादी करने के लिए शिवानी के माता पिता भी राजी हो गए हैं। 17 अप्रैल को भगवान लड्डू गोपाल से वो ब्याह रचाने वाली है और अपनी बेटी की खुशी के लिए माता पिता भी तैयार हैं। शादी की तैयारियां चल रही हैं। बात करें तो बचपन से ही भगवान लड्डू गोपाल के प्रति उनका श्रद्धा भाव रहा है। उज्जैन में सांपों पर आधारित देश का पहला स्नेक एंटरटेनमेंट पार्क खुल गया है। यहां देश विदेश के सांपों की 4,600 प्रजातियों के बारे में रोचक जानकारियां आप ले सकते हैं। और बता दें कि ये अपनी तरह का देश का पहला ऐसा पार्क है जहां सांपों के बारे में विस्तृत जानकारी लोगों को मिल पाएगी।